Hello students, today we discuss the same topic, task and methods, जिसका अर्थ होता है कार्य एवं प्रणाली। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट, इसका रूपरेखा और इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, गुण और दोष के बारे में डिस्कशन किए थे। और मेथड में हम लोग कल डिस्कशन किए थे, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किए थे और इंस्ट्रक्शन ऑफ मेथड्स, जो प्रणाली का निर्देशन होता है, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। कल पहला पॉइंट था जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन विधि। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता है प्रणाली को लेकर, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, लेक्चरिंग होता है, कोलाबरेटिंग होता है, क्लासरूम डिस्कशन होता है, ये सब इसका इंस्ट्रक्शन में जाता है। अब ये सेकेंड पॉइंट होता है लेक्चरिंग, जिसको हम लोग को बोल सकते हैं व्याख्यान विधि। द लेक्चर मेथड इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल टीचिंग मेथड्स, तो इन स्कूल्स इट इज़ यूजुअली कंसिडर द प्राइमरी वन। एक्चुअली जब लेक्चरिंग मेथड होता है, ये जो प्रणाली होता है शिक्षा प्रणाली में, इस मेथड का मेथड जो होता है, ये प्रणाली जो होता है, पहला होता है व्याख्यान विधि। क्योंकि पहला कोई भी क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, पहले स्टार्टिंग होता है लेक्चरिंग से, ये होता है व्याख्यान विधि पहला, और प्राथमिकता के तौर पर इसको शिक्षण अधिगम प्रणाली में शामिल किया जाता है। द लेक्चर मेथड इज कन्वीनियंट फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड को एफिशेंट स्पेशली विथ लार्जर क्लासरूम साइजेस। एक्चुअली जब व्याख्यान विधि होता है, यहाँ पे जिस क्लासरूम में बहुत सारा बच्चे बैठते हैं, बहुत बड़ा हॉल होता है, ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे बैठे रहते हैं, उसी जगह में लेक्चरिंग मेथड बहुत काम आता है, बहुत आसान होता है बच्चे लोग को डिलीवर करना होता है। लेक्चर व्याख्यान विधि के तौर पर शिक्षा अधिगम को प्रदान करना होता है। दिस इज व्हाई लेक्चरिंग इज द स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट कॉलेज कोर्सेज, व्हेन देयर कैन बी सेवरल हंड्रेड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एट वंस। लेक्चरिंग लेट्स प्रोफेसर्स एड्रेस द मोस्ट पीपल एट वंस इन द मोस्ट जनरल मैनर, व्हाइल स्टिल कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन दैट दे फील इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान। जब बहुत सारा एक बहुत बड़ा हॉल में जब हज़ार के ऊपर में या 500-600 बच्चे बैठे रहते हैं, उस रूम में अगर जब कोई शिक्षक को पढ़ाना होता है, तो लेक्चरिंग मेथड बहुत अच्छा आसान होता है व्याख्यान विधि। उसमें क्या होता है, प्रॉपर वेयर लेसन प्लानिंग अगर बना के वहाँ पर अगर आप स्पीच देते हैं, लेक्चरिंग देते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा सुइटेबल होता है और बच्चे लोग आसानी से समझ पाते हैं। एककालीन जितने सारे बच्चे होते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है और वो लोग समझने में प्रयास करते हैं। व्हाइल द लेक्चर मेथड गिव्स द इंस्ट्रक्टर और टीचर चांसेस टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू अनपब्लिश्ड और नॉट रीडली अवेलेबल मटेरियल, द स्टूडेंट प्लेज ए पैसिव रोल विच मै हिंडर लर्निंग। जब लेक्चर मेथड होता है, यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेसन प्लानिंग उपयोग किया जाता है। अगर ये चीज़ एब्सेंट होता है, अगर आप बहुत बड़ा हॉल में लेक्चर दे रहे हैं, व्याख्यान विधि के तौर पर पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है बच्चों को दिखाने के लिए, तो बच्चे थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं। जो सो पीछे तरफ से बैठे रहते हैं, उनके पास उनको थोड़ा सा एक्टिव महसूस नहीं करते हैं, थोड़ा पैसिव महसूस करते हैं, निष्क्रियता महसूस करते हैं। क्योंकि जब वो मटेरियल यूज करके और प्रॉपर लेसन प्लानिंग में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। इट कैन बी यूज टू अराउज इंटरेस्ट इन ए सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द इंस्ट्रक्टर हैज इफेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ पर स्टूडेंट को बीच बीच में उनको सब्जेक्ट के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देना होता है, निर्देश देना होता है, और उनको भी बीच बीच में बोलना चाहिए। अगर उसको उस टोटल क्लासरूम को एक्टिव करना होता है, तो करना होगा, तो वहाँ पे बोला जाएगा कुछ लिखने के लिए, कुछ बच्चे को बुला के ब्लैक बोर्ड में लिखाने के लिए बोला जाएगा तो अच्छा होता है। तो उस समय कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा, अगर पूछा जाता है तो बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो वहाँ पर स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्लासरूम थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, तो क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है, बच्चे लोग को बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखिए, ये सब अगर बीच में बोला जाता है, तो
बहुत बड़ा हॉल में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर भी वहाँ पे एक्टिवनेस क्रिएट हो पाता है। देन होता है कोलैबोरेटिंग, जिसको हम लोग सहयोग विधि बोल सकते हैं। कोलैबोरेशन अलाउज स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस बाय टॉकिंग विथ ईच अदर एंड लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियन। जब कोलैबोरेशन होता है, लर्निंग होता है, जो सहयोग विधि से पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को प्रायोरिटी दिया जाता है, जो कि वो अपना व्यू पॉइंट रखे, अपना बात रखे और वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हैं उस प्रक्रिया को बजाए रखते हैं। और वहाँ पर एक दूसरे का बात, जैसे कोई बच्चे अगर कुछ आंसर देते हैं, अपने हिसाब से कुछ बताते हैं, तो और उसको सुन के दूसरे बच्चे ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं, वो भी आंसर देने के लिए और कुछ बताने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये होता है कोलैबोरेटिंग टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के सहयोग से हो पाता है। Collaboration establishes a personal connection between students and the topic of study, and it helps students think in a less personally biased way. अगर collaboration study होता है, जहाँ पे group बच्चे, बहुत सारा बच्चे को group बना के पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर जब वो बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है collaborative learning में, वहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना ज़रूरी होता है, personally biasedness को कम करना चाहिए, जिसको बोलते हैं partiality नहीं करना होता है, जिसमें हज़ार बहुत सारा बच्चे हैं तो सबको समान दृष्टि से देखना होता है। अगर वहाँ पर अगर आप partiality करते हैं, तो जिस बच्चे का, बहुत सारा बच्चों के बीच में बहुत एवरेज लर्नर, स्लो लर्नर भी स्टूडेंट होते हैं, तो अपना बात नहीं रख सकते हैं, और क्या उनके मन में डाउट्स है सब्जेक्ट को लेके वो बता नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस को नज़रअंदाज करना चाहिए, सबको एक साथ में, एक नज़र में देखना चाहिए, और सबको एक जैसा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और उनको समझाने के लिए एक जैसा, और कहीं स्लो लर्नर है उसी हिसाब से कैसे समझाया जाए, कोई फास्ट लर्नर है उसको कैसे समझाया जाए, उसी हिसाब से प्रयास करना चाहिए बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कशंस आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टीचिंग मेथड्स। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो बात होता है, तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है, जहाँ पे समूह के लेकर, बहुत सारा स्टूडेंट को लेकर जो बात होता है, कोई डिस्कशन होता है, किस टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है, या किसी प्रेजेंट कुछ करना होता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक साथ में मिल के अपना नज़रिया से, अपना हिसाब से वो बात को प्रेजेंट करते हैं। ये टीचिंग मेथड का एक तो, ये शिक्षण प्रणाली में एक अच्छा, एक तो सुनियोजित प्रणाली हो जाता है, जो कि स्टूडेंट को अच्छा लगता है, और यहाँ पे बोरिंग जो बोलते हैं, पैसिवनेस क्रिएट नहीं होता है। टीचर्स में एम्प्लॉय कोलैबोरेशन टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू वर्क एज अ टीम, लीडरशिप स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन एबिलिटीज। तो यहाँ पे बताया जाता है, इस लर्निंग को डेवलप करने के लिए, ये लर्निंग को कैसे समझाया जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट को एबिलिटी को नाप किया जाता है, जिन छात्र को क्षमता को आकलन करने के लिए उनको टीम वर्क देना होता है, और लीडरशिप स्किल को डेवलप किया जाता है, जो ग्रुप होते हैं उनके बीच में एक तो लीडर को चुना जाता है, जो कि टोटल वो ग्रुप में, ग्रुप को हैंडल करे, ग्रुप के काम को देखें, और प्रेजेंटेशन एबिलिटीज मतलब बच्चे कैसे ग्रुप में कोई काम दिया जाता है तो उसको कैसे उपस्थापना करते हैं, और कैसे प्रेजेंट करते हैं, और कैसे उसको डिलीवरेट करते हैं, ये सब देखा जाता है सहयोग शिक्षण अधिगम प्रणाली के दौरान। सम एग्जांपल्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर टीचर्स आर बिल्ड ट्रस्ट, एस्टैब्लिश ग्रुप इंटरेक्शंस, कीप्स इन माइंड द क्रिटिक्स, include different types of learning, use real world problems, consider assessments, create a pre-test and post-test, use different strategies, help students use inquiry and use technology for easier learning. यहाँ पे शिक्षक के लिए सहयोगी शिक्षण युक्तियों और रणनीतियों के कुछ उदाहरण में विश्वास पैदा करना होता है, समूह का इंटरसेक्शन स्थापित करना होता है, इंटरेक्शन स्थापित करना होता है, मतलब एक दूसरे में कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने के लिए विश्वास पैदा करना होता है, उसके साथ साथ जितना समूह में बच्चे हैं सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना ज़रूरी होता है, आलोचकों को ध्यान में रखना होता है, मतलब आलोचकों मतलब जब डिबेट, कोई कोलैबोरेटिव लर्निंग में अगर किसी को कुछ बात को रखना होता है, जैसे डिबेट होता है,
होता है, कोई डिस्कशन करना होता है, तो उनको क्या बोल रहे हैं और उनका टॉपिक का क्या मेन पॉइंट होता है और क्या वो बोलना चाहते हैं उसको भी स्टडी करना होता है, और उसी हिसाब से सबको वन बाय वन प्रेजेंट करना होता है। विभिन्न प्रकार के सीखने को शामिल करना होता है। जब वो कोलाबरेटिव लर्निंग होता है, इसमें आप लोग बहुत सारा सब्जेक्ट को भी आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आप एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं, जितना टॉपिक है उसको प्रयास करना होता है, क्योंकि एक साथ में जब पढ़ते हैं तो बच्चे अपना फ्रेंड के जरिए से अपना डाउट्स क्लियर करते हुए सीखते हैं और बहुत आसानी से सब्जेक्ट को समझते हैं। वास्तविक की दुनिया की समस्या को उपयोग करना होता है, मूल्यांकन पर विचार करना, एक पूर्व परीक्षण और उत्तर परीक्षण बनाना, ये सब भी कोलाबरेटिव लर्निंग में हम लोग देख सकते हैं। उपयोग करना शामिल है विभिन्न रणनीतियाँ, छात्रों को जांच का उपयोग करने और आसन सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करती है। मतलब जैसे बच्चे लोग को हम लोग कोलाबरेटिव टीचिंग का बताते हैं तो उसमें पहले क्या उनको क्या सीखे थे, उसके बाद जब कोलाबरेटिव लर्निंग के बाद क्या सीखे हैं उसको हम लोग को एग्जाम तौर पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ उनको बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए अलाउ भी कर सकते हैं, मिल के कंप्यूटर सीखना, मिल के कुछ प्रोजेक्ट बनाना, मिल के कुछ जैसे एग्जीबिशन है उसमें कुछ प्रेजेंट करना, ये सब अगर कोलाबरेटिव लर्निंग में होता है तो बहुत आसान होता है और सारा बच्चे को मिल के एक साथ में पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका मिलता है। आज ओवरऑल हम लोग को टास्क और मेथड्स टॉपिक को कंप्लीट कर दिए, कल प्रयास करेंगे और कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।